Hello students, my name is Ayush Gupta and this is your computer class in which we will going to discuss about your chapter 2 and at last time there was some RAM and ROM. So the last topic was remaining was ROM. Okay, so let's start without wasting our time. This is your lecture 4 and let's start. So as you think, the world right now is going through a crisis and the online teachers just have to teach. No, brother, it's not like that. ऐसा कुछ नहीं है. हमें भी फर्क पड़ता है. दुनिया को लगता है क्या है कि तुम लोग को लगता होगा कि दुनिया में इतनी क्राइसिस हो रखी है, कोरोना फैल रहा है, लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग तो पढ़ाने के लिए परेशान है. बेटा ऐसा है ना कि आपको अभी एग्जाम भी देना है नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम भी देना है, लेकिन अगर अभी से आप पढ़ते हुए चलेंगे, अगर अभी से आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपके सिलेबस भी क्या होता रहेगा, आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा. और उसके साथ क्या होगा, आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं होगी. सपोज अगर अभी हम आपको ना पढ़ाएं और एक साथ एग्जाम में आपको ढेर सारा पढ़ाना पड़े तो क्या होगा, चीजें छूट जाएंगी, इतने अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको. सो हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये मीम एकदम सरासर गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी में हमने पढ़ लिया था रैम तक ना, हमने रैम का आपको होमवर्क भी दिया था. तो नाउ रैम में हमने सब पढ़ लिया था. रैम मॉड्यूल में मैंने देखा कई लोग को प्रॉब्लम हुई. तो बेटा रैम मॉड्यूल का मतलब ये होता है जिस सर्किट बोर्ड में इसको बनाया जाता है, जो सर्किट बोर्ड क्या हो, किसी भी रैम को होल्ड करे, वही क्या होता है आपका रैम मॉड्यूल होता है. जो भी सर्किट बोर्ड को होल्ड करे वही रैम मॉड्यूल होता है. ये देखिए एक सर्किट है ग्रीन वाला जो कि क्या कर रहा है, रैम को होल्ड कर रहा है. ये रैम क्या कहलाएगा, ये रैम मॉड्यूल या मेमोरी मॉड्यूल कहलाएगा. ओके चलिए, रीड ओनली मेमोरी मींस व्हाट, रोम रेफर्स टू द मेमोरी चिप यूज्ड टू स्टोरिंग डाटा दैट कैन बी ऑन रीड ओनली. क्या हो सकता है, केवल रीड किया जा सकता है. द डाटा ऑन रोम चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड. इसको क्या कहता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते. Hence the name read only memory. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी डाटा को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, इसलिए इसका नाम read only memory पड़ा है, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह से इसको चेंज नहीं कर सकते. The name read only memory. Okay. ROM is non volatile. ये क्या होती है, non volatile होती है, मतलब non volatile का मतलब volatile and non volatile दोनों में क्या अंतर होता है बेटा. volatile जो होती है इसमें डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक क्या हो, इसमें करंट हो. करंट मतलब क्या, जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तब तक इसमें क्या होगा, डाटा स्टोर रहेगा. लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, इसमें ऑलवेज डाटा रहता है. क्या होता है बेटा, ऑलवेज डाटा स्टोर रहता है, नो मैटर कि आप उसमें क्या कर रहे हो, करंट प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो. ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो अगर हमारे पास कोई एक ऐसी मेमोरी है जो कि क्या है, वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या, वोलाटाइल इसका मतलब क्या कि उसमें जब तक हम वोल्टेज देंगे या करंट देंगे, करंट देते रहेंगे तब तक वो डाटा स्टोर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, डाटा लूज कर देगा, ब्लैंक हो जाएगी. और नॉन वोलाटाइल क्या होती है बेटा, नॉन वोलाटाइल ऐसी मेमोरी होती है जो क्या करती है, जो कि आपके डाटा को ऑलवेज होल्ड करती है, ऑलवेज, नो मैटर आपने उसमें पावर दिया हुआ है कि नहीं, आपके सिस्टम में पावर आ रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके पास जो उसका डाटा है वो उसको होल्ड करके रखेगा ही रखेगा, उसको डिलीट नहीं कर सकता वो. ठीक है, नॉन वोलाटाइल्स होते हैं. सो ये हो गया, ये क्या होती है बेटा, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि इसका डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते. और ये क्या होती है, इसको पावर दी जाए चाहे ना दी जाए, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है सेव ही रहता है. इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ, एज आई टोल्ड यू. रोम चिप्स कंटेन डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर इंफॉर्मेशन डेट इज रिकॉर्डेड परमानेंटली. ये क्या होता है बेटा, ऐसे डाटा को, इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शन को रखती है जो कि क्या होता है, हमेशा के लिए परमानेंटली हमें रखना होता है अपने पास, रिकॉर्ड करके रखना होता है परमानेंटली, यानी जब तक आपका कंप्यूटर तब तक ये भी सेम रहेगा. रोम कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. व्हाट इज बायस, बायस जो होता है ना आपके सिस्टम, इसके चार पांच काम होते हैं, इसमें से सबसे मेन काम होता है डिटेक्टिंग हार्डवेयर. होता क्या, जैसे मान लो आपने सिस्टम को ऑन किया, पावर की दबाई आपने, जैसे आपने पावर की दबाई तो आपके सामने कुछ कंपनी का लोगो बन के आता है, आता है ना बेटा, कुछ कंपनी का आपका लोगो बन के आता है. लोगो बन के आने का मतलब क्या होगा कि मान लो अगर आपका एचपी का लैपटॉप है तो एचपी लिख के आता है, या फिर कोई और कंपनी का लैपटॉप है तो उस कंपनी का आपके सामने क्या आता है, लोगो बन के आता है. इवन मोबाइल में भी, आपके मोबाइल में मान लो आपका एमआई का मोबाइल है, मी इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड रटवा दिया इन्होंने, तो मी का अगर आपके पास फोन, जब उसको आप स्विच ऑन करेंगे तो आपके सामने एमआई लिख कर आएगा,
ये जो लेके आएगा कैसे लेके आएगा, क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ स्टोर है, ये आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, ओके। सो वहाँ से ही आता है, और आप उसको हटा भी नहीं सकते, आप जब भी फोन ऑन करेंगे हमेशा MI ही लिख के आएगा, अभी चाहो कि आपका नाम लिख के आ जाए, किसी और कंपनी का नाम लिख के आ जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज BIOS? BIOS विच इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉलोज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फाइल्स व्हेन यू फर्स्ट रन ऑन कंप्यूटर। मतलब क्या, जैसे आपने कोई एक कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो उसमें क्या होता है, बायस होता है। बायस का काम क्या होता है बच्चा, बायस का काम ये होता है कि आपके सारे चीज़ों को चेक करना, ये सब जगह जो पावर है प्रॉपरली जा रही है कि नहीं जा रही, यानी कि आपकी रैम लगी हुई है, आपकी डिस्क लगी हुई है, आपके मदरबोर्ड में किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द मदरबोर्ड, इफ देयर इज प्रॉब्लम देन इट जस्ट रिस्टार्ट योर सिस्टम। तो क्या कहते हैं, आपके सिस्टम को स्टार्ट ही नहीं होने देता, एंड देन यू मे अवॉइड द मोर प्रॉब्लम विद योर सिस्टम। सो इट्स बेसिकली चेक फॉर योर कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज कि आपके में लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, माउस कनेक्टेड है कि नहीं, उसको एक्सेस देना, ये सब काम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का होता है, ओके। नाउ मैनी अदर डिवाइसेस आल्सो कंटेन रोम्स, फॉर एग्जांपल रोम इन मैनी फोन्स, ओके। सो मतलब जो आपके प्रिंटर्स होते हैं इसमें जो आपके डेटा के लिए फॉन्ट के लिए जो डेटा होता है उसको भी कहाँ स्टोर किया जाता है, आपके रोम में स्टोर किया जाता है, ठीक, ताकि ये चेंज ना हो पाए। ऐसे कई जगह होती हैं रोम होती हैं आपके, अगर हम इसकी अदर देन कंप्यूटर की बात करें तो आपके जैसे वॉशिंग मशीन होगी घर में, हाँ ऑटोमेटिक वाली, मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसमें भी रोम लगी होती है जो कि आपके क्लॉक वगैरह को कंटेन करती है, ओके, इसमें की रोम लगी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रोम चिप्स ऑफन रिकॉर्ड डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन ऑन द चिप व्हेन दे मैन्युफैक्चर देम, ओके। तो क्या कहते हैं, ये आपने आपके इन्फॉर्मेशन को जब ये रिकॉर्ड करते हैं, जब ये क्या किया जाता है, जब ये बनाते हैं तभी उसी समय इसका डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। रोम जैसा आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर, क्या कहलाती है, फर्मवेयर भी कहलाती है, ठीक, इसका नाम है अलग सा। देखो रोम चिप्स हमारे पास कितनी होती है, रोम चिप्स हमारे पास तीन तरह की होती है, कौन कौन सी, पहला होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप इज अ ब्लैंक रोम चिप ऑन विच यू कैन प्लेस आइटम परमानेंटली। प्रोग्रामर्स आर यूज माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम अ पी रोम चिप। पी रोम बोले तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी क्या करती है, इसमें आप डाटा को, ये एक्चुअली पहले तो ब्लैंक होती है, आपको क्या मिलेगी, ब्लैंक रोम मिलेगी, ठीक है, आपको ब्लैंक सी, जैसे आप ब्लैंक सी डी लेकर आते हैं वैसे क्या मिलेगी, आपको ब्लैंक रोम मिलेगी। इन दिस ब्लैंक रोम यू कैन स्टोर योर डाटा परमानेंटली, वट एवर यू स्टोर इन दिस रैम विल बी स्टोर्ड एज परमानेंटली, यू कांट इरेज इट एंड यू कांट चेंज इट, ओके, यू हैव टू स्टोर द डाटा। एंड प्रोग्रामर्स हु यूज टू स्टोर द डाटा इन दिस रैम, sorry, this room, what they use micro code instructions. What is micro code instructions? वैसे आपकी programming होती है ना बेटा, वैसे micro programming होती है, उसे micro code बोलते हैं। So micro code instructions के through क्या करते हैं इसे program में, ये programming का style होता है। micro code क्या होता है बेटा, micro code is a style of programming. What is style of programming means that क्या ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे आपसे मैं कहूँ कि गेम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्लेन गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्राफिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। वैसे ही जब हमें किसी डाटा को रीड करना होता है, डाटा को राइट करना होता है मेमोरी में, तो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं। जब हमें छोटे बारीकी काम करने हो, एकदम बिल्कुल वैसे जैसा नाम है वैसे काम है इसका, ठीक। माइक्रो कोड मतलब क्या, जब हमें डाटा स्टोर करना हो या डाटा स्टोर करने की जब बात करते हैं, डाटा से रिलेटेड मेमोरी से रिलेटेड जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोग्रामिंग को माइक्रो कोड प्रोग्रामिंग या माइक्रो प्रोग्रामिंग कह देते हैं, ठीक है। नाउ एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है, ईपी रोम, ये एक अलग टाइप की रोम होती है, इन विच कंटेंट्स आर इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय आरपी रोम प्रोग्राम। तो मतलब क्या होता है, इसमें आप डाटा को इरेज कर सकते हो, लेकिन डाटा को इरेज करने के लिए क्या चाहिए, हमें यूवी लाइट्स चाहिए होंगी। यूवी लाइट्स की इंटेंसिटी आपकी 15 से 20 मिनट तक की होती है, जब आप 15 से 20 मिनट तक उसमें यूवी लाइट मारेंगे तो क्या होगा, उसका डाटा इरेज हो जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हो, फिर से उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, फिर से उसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो एज पर योर नीड, ओके। नाउ द थर्ड वन इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ये क्या होती है बेटा, ये एक ये भी ग्रह की क्या होती है, पीरोम चिप होती है, प्रोग्रामेबल ईरानी मेमोरी होती है, विच अलाउज द प्रोग्रामर इरेज द मैक्रो कोड विद द इलेक्टेड सिग्नल। ये क्या थी इरेजेबल प्रोग्रामेबल में, इरेजेबल में क्या था, हम रटा वाला का यूज करते हैं, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल बोले तो आपकी बिजली का यूज करेंगे, मतलब लाइट का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की का यूज करेंगे इसमें डाटा को इरेज करने के लिए। ओके, एनी प्रॉब्लम टिल देयर? आई डोंट थिंक सो यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, सो आई एम मूविंग फॉर द ओके। नाउ द सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है, एक डाटा को स्टोर करता है काफी लंबे समय तक। इट ऑपरेट्स एट अ स्लोअर रेट देन द प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। क्या होती है, परमानेंट होती है, डेट इज डाटा स्टोर नॉट बी इवन Not lost even when the program when the computer is switched off। यानी क्या होता है, जब आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दो या फिर उसको क्या करो अनप्लग कर दो, तो भी क्या होता है, उसमें डाटा सेव रहता है। जैसे आपकी पेन ड्राइव में अगर आपने कोई मूवी को ट्रांसफर किया आपने लैपटॉप से और उसको पेन ड्राइव पर निकाल दिया, या पेन ड्राइव उस कंप्यूटर में लगी आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, तो क्या पेन ड्राइव से डाटा जाता है? नहीं, आपको पेन ड्राइव में डाटा क्या होता है, रिमेनिंग रहता है, क्या होता है, परमानेंट होता है। सो ये कैसी हो गई, ये बेटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गई। ठीक, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। क्या कहा जाता है बेटा, ये बैकअप मेमोरी कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल क्या, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसको यूज ना किया हो अपने कभी ना कभी जीवन काल में, अपनी लाइफ में इसको आपने यूज किया हुआ है। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको इस बारे में बताया भी था। चलिए, नाउ कैश मेमोरी। आप डर उसको कैश बोलते, कैच ही नहीं बोलते, कैश। ठीक, कैश बोलते तो कैच ही नहीं बोलते। ठीक, कैश इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट इनहेंस द सीपीयू स्पीड। एक्चुअली देखो होता क्या है, देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी जो प्रोग्राम आपको रन कराने हैं, वो क्या होते हैं, रैम में होकर लोड होते हैं, रैम में जाते हैं लोड होने। लेकिन हमारे पास क्या होती है, रैम से भी एक सुपर फास्ट मेमोरी होती है। सबसे पहले देखो हम तुम्हें बता देते हैं, सबसे स्मॉल रेट किसका होता है, सेकेंडरी स्टोरेज का। किसका होता है बेटा, सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज का क्या होता है बेटा, सबसे लेस रेट होता है। इससे तेज कौन होती है, प्राइमरी यानी रैम। रैम बोलो चाहे प्राइमरी बोलो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, रैम होती है। रैम से भी तेज क्या होती है, ये कैश। रैम से भी तेज क्या होती है, आपकी कैश होती है। तो होता क्या है इसमें, ये कैश अभी क्या होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये भी क्या होती है, आपके पास रोम रैम की तरह काम करती है। तो ये क्या करता है, क्या कंप्यूटर का सीपीयू, ये क्या होता है, आपका सीपीयू क्या करता है कि जब आपको डाटा रीड करना है तो डाटा आप कहाँ से रीड करेंगे, आपका सीपीयू डाटा रीड करता है रैम से। लेकिन जो डाटा ऑफन बार बार यूज करना होता है उसको स्टोर कर देता है कैश में। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास एक आपने एक मूवी प्ले की, सपोज आपने एक मूवी प्ले की, तो आप क्या करते हो, वीएलसी मल्टीमीडिया में आपने मूवी प्ले की, तो जनरली आप प्ले पॉज का बटन यूज करते हो। जो प्ले और पॉज का बटन होता है वो काम करता है स्पेस बार। तो आपने क्या किया, स्पेस बार के इंस्ट्रक्शन को कैश में सेव कर दिया। यानी क्या, जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे तो इंस्ट्रक्शन के लिए किस में जाएगा, इंस्ट्रक्शन वो मांगेगा कैश से। अगर कैश के पास उसका डाटा पड़ा है तो तुरंत ही काम हो जाएगा, अदरवाइज वो रैम से मांगेगा, और रैम से मांगने के बाद क्या करेगा, इसमें वो पेस्ट कर देगा। समझ में आया, चलिए ठीक है, फिर से वही आगे डिस्कस करते हैं कैश को, और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा ये कठिन टॉपिक है, देखिएगा। इनहेंस द सीपीयू, मोस्ट ऑफ टुडेज कंप्यूटर इंप्रूव देयर प्रोसेसिंग विद कैश। मतलब क्या, कैश में क्या होगा, डाटा रहेगा तो कैश से जब डाटा हमें जल्दी जल्दी मिलेगा तो क्या होगा, डाटा जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। मतलब क्या, सीपीयू इज वेरी पावरफुल। आपका सीपीयू क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। लेकिन सीपीयू के पास क्या होगा, तब वो एफिशिएंसी तब दिखाएंगे, उसके पास वर्क होगा। मीन्स दैट मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है, बहुत तेज से प्रोडक्शन कर सकती है, बट हाउ इट विल प्रोडक्ट मोर, उसको क्या चाहिए, उसको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना। रॉ मटेरियल्स के बिना कोई भी फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। सो वैसे ही आपको क्या होता है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर नीड डाटा टू ऑपरेट। तो क्या चाहिए, इसको डाटा जल्दी जल्दी चाहिए, तो जल्दी जल्दी डाटा कौन देगा, इसको कैश देगी। क्या देगी बेटा, कैश। कैश मेमोरी क्या करेगी, प्रोसेसर को जल्दी जल्दी डाटा देगी ताकि प्रोसेसर क्या कर सके, जल्दी जल्दी काम कर सके। मेमोरी कैश इंप्रूव्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट्स स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो डाटा बार बार यूज हो रहा होता है उसी को क्या करती है, स्टोर करती है।
कैश इज बिल्डअप डायरेक्टली इन द प्रोसेसर चिप, बिकॉज द प्रोसेसर चिप में डायरेक्टली बिल्डअप की जाती है। जब भी आप प्रोसेसर खरीदेंगे ना, तो उसके साथ उसकी कैश भी आपको लगी हुई ही मिलेगी, यानी कि आप कैश मेमोरी अलग से खरीद लिए, ऐसा नहीं होता है। व्हेन अ प्रोसेसर नीड्स एन इंस्ट्रक्शन और डाटा, इट फर्स्ट सर्च चेक। जैसे मान लो इसने क्या किया, मान लो प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए, सबसे पहले वो कैश में चेक करेगा। क्या चेक करेगा बेटा? कैश में चेक करेगा। इफ इट डजंट लोकेट देम इन कैश, देन इट सर्चेस इन रैम। तो पहले क्या करेगा, मान लो इस प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए, तो पहले क्या करेगा, पहले कहेगा कैश से, भैया तुम्हारे पास डाटा है? अगर कैश के पास होगा तो कैश क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा यस, अदरवाइज क्या कहेगा, नो। वैसे मान लो उसने कहा नो, तो क्या जाएगा, ये जाएगा प्रोसेसर फिर रैम के पास, कहेगा भैया तुम ही डाटा दो, तुम्हारे पास तो है ही। तो रैम क्या करेगा, रैम इस प्रोसेसर को डाटा देगा। ओके, ये तरीका होता है काम करने का। इफ द इंस्ट्रक्शन और डाटा इज फाउंड इन द मेमोरी, देन इट मस्ट सर्च इन अ स्लोअर स्पीड स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव और CD-ROM। अब मान लो रैम में भी डाटा नहीं है, इसने क्या किया, डाटा मांगा, रैम में भी डाटा नहीं था, तो डाटा कहाँ होगा, डाटा आपके स्टोरेज डिवाइस में होगा, जो कि और स्लो होगा। और स्लो होगा तो क्या होगा, जब और स्लो होगा तो आपको डाटा रीड करने में और प्रॉब्लम होगी, ठीक, डाटा रीड करने में और प्रॉब्लम होगी। जब स्लो होगा तो क्या, डाटा रीड करने में और प्रॉब्लम होगी, और जब डाटा रीड करने में प्रॉब्लम होगी तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, और स्लो वर्क करेगा, नहीं प्रोसेसर और धीमे वर्क करेगा। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीन तरह के आपके कैश होती हैं, ठीक है, तीन तरह की कैश होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो यहाँ पे क्या होता है, लेवल 1, लेवल 1 ज़्यादा अच्छी होती है, लेवल 2 और अच्छी, थ्री और अच्छी, ठीक, इस तरीके से आपके लेवल में कैश मेमोरी होती है। नाउ क्वेश्चन आंसर, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ये आप खुद से करेंगे, आपको होमवर्क बता दें, आपको होमवर्क नहीं बताना मैंने। चलिए हम आपको होमवर्क बता रहे हैं, आपको क्या करना है, देखो मैं अभी आपको ना, आपको चैप्टर टू फेयर कॉपी में करना है। किसमें करना है बेटा, फेयर कॉपी में। ओके, कैसे करोगे, इस वीडियो के टेलीकास्ट होने के बाद, ब्रॉडकास्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ब्रॉडकास्ट होने के बाद हम आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे। तो बेटा आपको इसके सोल्यूशन को नोट डाउन कर लेना है, और उसको सोल्यूशन को फेयर कॉपी में नोट डाउन करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाना है, यही आपका होमवर्क होगा, ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर आपका हो चुका है लगभग 16 मिनट का ना, और थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसमें जो आपके क्वेश्चन इसको एलाबोरेट कर दें, फिर हम इसको एंड करते हैं बेटा। चलिए तो लीजिए, तो अब क्या होगा, आपको हम इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे भी तुरंत पूछ लीजिए, हम व्हाट्सएप पे आपके ऑनलाइन भी हैं, तो इसको थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं, टिक टिक करेक्ट आंसर वगैरह थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। ओके, तो पहले में क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, रैम एंड रोम आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रोम इज वोलाटाइल, नो रोम इज नॉन वोलाटाइल। ओके, ROM is in nature. Okay, D. Which of the following is the secondary memory? Obviously, hard disk. Then, the type of ROM that erases it content by ultraviolet light. It's called EEPROM. Okay, it's called EEPROM. Then, a temperature that transfer data and CPU speed is cache. A place where a computer holds current program and data is called memory, क्योंकि क्या होता है, बेसिकली डाटा आपका किस में होता है, रोम सॉरी हार्ड डिस्क में होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी। मेमोरी डाटा कहाँ जाता है, मेमोरी डाटा जाता है रैम में, और रैम से डाटा कहाँ जाता है, कैश में। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अ न्यूअर टाइप ऑफ रैम विच स्टोर्स डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका MRAM, मैग्नेटिक चार्ज रैम। ओके, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डी रैम का क्या होगा, डी रैम का क्या होगा बेटा, डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, और एम रैम का होगा आपके, एम रैम का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा, मैग मैग सॉरी
मैग्नेटोस्टैटिक रीड ओनली मेमोरी. नाउ सो व्हाट इज इन वन बाइट हाउ मेनी कैरेक्टर. इन वन बाइट देयर आर वन कैरेक्टर 1024 bytes 1024 बेटा 1024 एंड 1 TB इज 1024 वाट जीबी मीन्स गीगाबाइट 1024 GB 1024 KB 4 bits 4 bits. Okay, now fill in the blanks. Let me start with fill in the blanks. So the dash is a temporary workplace inside a computer that stores instructions and information. So that is a RAM, RAM, read only memory. Okay, it's a RAM. RAM beta R nahi banna mujhe batao. RAM. Okay. Now second, there are two categories of memory in a computer, which called primary and secondary. Primary and secondary. Okay. Now see, a disk is the basic storage unit in a computer. Is a bit. BIT stands for binary digit bit. Okay. Now D. D is dash. The dash interrupts the data while it is in RAM. The processor. क्या होता है बेटा प्रोसेसर. प्रोसेसर देन रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी ROM रोम. चलिए ट्रू फॉल्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी. सो रैम इज आल्सो कॉल्ड नो फॉल्स. रैम इज व्हाट. रैम इज प्राइमरी मेमोरी. फॉल्स. देन सेकंड इज अ मेमोरी मॉड्यूल इज अ सर्किट बोर्ड दैट होल्ड द मेमोरी चिप्स. अ मेमोरी मॉड्यूल इज अ सर्किट बोर्ड दैट होल्ड द मेमोरी चिप्स. ऑब्वियसली ट्रू. RAM holds data permanently. No beta, RAMs hold data permanently. False. As RAM is efficient and fast but very expensive. ये बात एकदम सही है. True. More the RAM transfer the computer will respond. Yes. जितना तेज आपकी RAM काम करेगी उतना तेज आपका computer क्या होगा work करेगा. So अब आपको question answer लिखने हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर मेमोरी. ये मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया है लास्ट क्लास में. ये वही क्वेश्चन है. ठीक. सेकंड, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप वीडियो को आराम से देख के लिख सकते हो. मैं आपको इसका सोल्यूशन अच्छा ग्रुप में देता हूँ. इन चारों क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन ग्रुप में दे देता हूँ. और आप क्या कर लेना, इसको फेयर कॉपी में, इसको क्या करोगे बेटा, फेयर कॉपी में लिखोगे. यही आपका होमवर्क है, यही आपका असाइनमेंट है, यही आपका सब कुछ है. देखो मैं ज़्यादा होमवर्क ज़्यादा असाइनमेंट नहीं देता हूँ, लेकिन जितना देता हूँ बेटा सिंसियरली किया करो. ओके. सो आज के लिए बस इतना ही. आई थिंक लेक्चर अब में आपको मज़ा आ रही है. कंप्यूटर मेमोरी आपको खत्म होने को आया. नाउ नेक्स्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके. Stay home, stay safe. See you in next video. Bye. Take care.